ग्वालियर में आज प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर रहेंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 करोड़ की राशि भी देंगे। वहीं संबल योजना के हितग्राहियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सीएम महिला सम्मान में भी लाडली बहनों से संवाद करेंगे। वहीं आवासीय भू अधिकार पत्र का भी मुख्यमंत्री वितरण करेंगे। सीएम शिवराज के दौरे को लेकर और क्या क्या खास तैयारियां ग्वालियर में की जा रही है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, बताइए सीएम शिवराज को लेकर क्या खास तैयारियां ग्वालियर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं देखिए मैं आपको बता दूं, आज शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के लिए 777 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात लेकर आज ग्वालियर प्रवास पर आ रहे हैं। और ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री चौहान बेटा में बघेल समाज के सम्मेलन, मेला मैदान में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम, अचलेश्वर मंदिर पर जगन्नाथ रथ यात्रा एवं हजार बिस्तर के अस्पताल व सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लोकार्पण व निरीक्षण सहित अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम चौहान के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड़यन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, प्रभारी मंत्री और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और उद्यानिकी विकास संस्करण प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्रीगण एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान शनिवार दोपहर लगभग 12:15 बजे राजकीय विमान से राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग द्वारा बेहटा पहुंचकर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही बघेल समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ वह बघेल समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे। लाडली बहनों से भी सीएम कहीं ना कहीं 1:30 बजे के आसपास मेला मैदान में पहुंचकर मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, सीएम मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण एवं विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही यहाँ सीएम चौहान लाडली बहनाओं से रूबरू भी होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान इस पर अवसर पर 777 करोड़ रुपए के अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इनमें लगभग 185 करोड़ रुपए लागत के भूमि पूजन और लगभग 592 करोड़ रुपए लागत के लोकार्पण शामिल है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत महिला हितग्राहियों को इस लाभ वितरित करने के साथ साथ लाडली बहनाओं का सम्मान कर उनसे संवाद भी करेंगे। हिंदी साहित्य भवन का भूमि पूजन, हजार बिस्तर अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान मेला मैदान पर आयोजित समारोह के बाद सिटी सेंटर क्षेत्र में पहुंचकर मध्य भारत हिंदी साहित्य भवन का भूमि पूजन करेंगे। इसके पश्चात अखिलेश्वर मंदिर पर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद हजार बिस्तर अस्पताल और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण एवं निरीक्षण करने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री चौहान इस कार्यक्रम के बाद विमानतल पहुंचकर वायु मार्ग द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। सीएम के दौरे के लिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वही सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ज्योतिराज सिंधिया के प्रवास के दौरान शनिवार को शहर की घेरेबंदी कर दी गई है। सुबह से ही पुलिस के 500 से ज्यादा जवान व अफसर मोर्चा संभाल लगे हुए। एयरपोर्ट से लेकर मेला ग्राउंड तक कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। वीवीआईपी रूट पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। मेला ग्राउंड के रास्ते पर उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा जो कार्यक्रम में जा रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं मैं के जनहित याचिका लगाई गई है, क्योंकि ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्री सिंधिया एवं तोमर के शनिवार के प्रस्तावित दौरे को लेकर हाईकोर्ट में एवं जनहित याचिका पेश की गई है, जिसमें इस दौरे को प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता उमेश दौरे के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह के दौरे को कई इवेंट में बांटा गया है। कितना करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान है। 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण फिलहाल आधा अधूरा है। उसका फर्श और टाइल्स कई जगह से उपलब्ध रही है। वहीं इलाज के लिए लोगों को फिलहाल कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं किसी भी बीमारी का इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उसका आज लोकार्पण कर रहे हैं, तो लोग नए और पुराने अस्पताल के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। ये सारे आज पूरा दिन कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में रहेंगे और उसके बाद पुलिस के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जी मैं जी जानकारी के लिए धन्यवाद।